सर, क्या काम? नमस्कार जी, मैं मनोज बाबा, बाबा मोबाइल के ओनर। मेरी हमीरपुर व्यापार मंडल से एक गुजारिश है, एक विनती प्रशासन से भी है कि जो मांगने वाले डेली हमारी दुकानों में आ रहे हैं, 10 से 15 लोग मतलब दिन के मांगने वाले आ रहे हैं, उनमें कुछ जरूरत वाले हैं, कुछ बिना जरूरत वाले भी हैं, लेकिन प्रशासन से गुजारिश है कि जो लोग आ रहे हैं, कुछ वो नशा कर रहे हैं, जिससे हमारे व्यापार फर्क पड़ ही रहा है। रात को नशा करके चोरी का भी वो खतरा रह रहा है। कुछ आइडेंटिटी लोगों के पास नहीं है, जो बाहर से आ रहे हैं वो दुकानों पे खड़े हो जा रहे हैं। कुछ डेली कुछ मांगने वाले आ रहे हैं, ढोल नगाड़े लेके आ रहे हैं, जिससे बाजार में पूरा शोर शराबा बना रहता है और व्यापार में फर्क पड़ता है। मेरी व्यापार मंडल से भी गुजारिश रही है, प्रशासन से भी, इसके ऊपर कड़ा संज्ञान लिया जाए। जी धन्यवाद। सर, दिन में कितने के लोग आ रहे हैं? 15 से 20 लोग डेली आ रहे हैं जी, तो ये बंद होना चाहिए। धन्यवाद जी। सुमित जी बात करें, हमीरपुर मुख्यालय के व्यापारी लोग जो है वो मांगने वालों से काफी सारे। बिल्कुल सर, जो मांगने वाले हैं, एक्चुअली अभी क्या हो रहा है कि पंजाब में गर्मी जैसे जैसे बढ़ती है तो वहां से मांगने वाले जो है वो पहाड़ की तरफ आना शुरू कर देते हैं और दिन को मांगते हैं, रात को अपना एंजॉय वगैरह करते हैं और काफी ज्यादा जो है वो शहर में मांगने वाले आते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम सभी व्यापारियों को ये कहें कि जो भी कोई भी मांगने वाला आए, उसको आपने फाइनेंशियली हेल्प नहीं करनी है, पैसा नहीं देना है। हाँ, उसको कुछ चाय पिलानी है, कुछ खाने के लिए देना है तो वो अलग बात है, लेकिन फाइनेंशियली हेल्प नहीं करनी है, क्योंकि वो हमसे ही पैसा लेते हैं और रात को वारदात करते हैं या कुछ उल्टा सीधा करते हैं, क्योंकि उनके पास ना पुलिस वेरिफिकेशन होती है और ना ही कोई ऑथेंटिक प्रूफ होता है। तो एक तो मैं सभी व्यापारियों से यही आग्रह भी करूंगा कि वो फाइनेंशियली जो है वो किसी भी मांगने वाले को ना दे। मुझे लगता है कि पुलिस को इन पे कार्रवाई करनी चाहिए। त्योहारी सीजन में बहुत सारे लोग जत्थों के जत्थे यहाँ पे लोगों के मांगने वालों के आते हैं, ना उनके पास आइडेंटिफिकेशन का कोई सबूत होता है, ना उनके पास कोई और ऐसा होता है। अब उस भेष में आदमी कोई भी किसी भी रूप में आ सकता है, तो मुझे लगता है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और मांगने वालों की जहाँ तक बात है, ये वो एक कतार का आखिरी आदमी है जो मांग के भिक्षा मांग के अपना पेट भर रहा है, गुजारा कर रहा है, तो मुझे तो उससे कोई आपत्ति नहीं है। पर कहीं ना कहीं हमारी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इनसे ज़रूर मुझे दिक्कत है। और कुछ लोग बाज़ार में जैसे ये ज़बरदस्ती लोगों से मांगने लग पड़ते हैं, कुछ लेडीज़ भी यहाँ घूमती रहती हैं, तो उन लोगों से ज़रूर मुझे आपत्ति है और हमारे सारे व्यापारी वर्ग को आपत्ति उनसे मुझे लगता है। तो पुलिस कहीं ना कहीं इस पे कार्रवाई करे कि उनकी आइडेंटिफिकेशन उनकी चेक की जाए और थोड़ी सी नज़र उन लोगों पे रखी जाए। सर, रोज के करीब 15 से 20 लोग जो हैं वो मांगने पहुंचते हैं दुकानदारों को, तो इससे कहीं ना कहीं जो है वो दुकानदार भी परेशान है। दुकानदार की परेशानी तो ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है, पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इन चीज़ों पर अंकुश लगाने की ज़रूरत है। शिव मंदिर में हमारे पास रोज ऐसे लोग खाना खाने आते हैं, उनके लिए वहाँ पे लंगर का इंतज़ाम किया होता है, तो मुझे लगता है कि अपना अगर खाने की बात है तो वहाँ पे लंगर ग्रहण करके आदमी अपना आगे बढ़ सकता है, पर कहीं ना कहीं ये इस पे कुछ अंकुश लगाने की ज़रूरत है आज की डेट। सर, जहाँ तक मुख्यालय की बात करें, व्यापारियों ने ये भी बताया कि ये लोग जो हैं सिर्फ पैसे मांगते हैं, बाकी खाने की चीज़ें और कोई चीज़ें दें तो उसका नहीं लेते हैं। जी, ऐसा तो है, ये सिर्फ पैसे ही मांगते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं लगता है कि ये मजलूम नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप शाम के समय ठेकों के इर्द गिर्द देखें तो बहुत सारे लोग ऐसे इनमें से आपको वहाँ ठेकों के नज़दीक मिल जाएंगे, जिसे देख के कई बार तो ऐसा मन करता है कि इनको पैसे नहीं देने चाहिए। मुझे लगता है कि इनको पैसों की बजाय जो जरूरत की चीज़ है, किसी के पास कपड़े की ज़रूरत है, कोई चप्पल जूते की ज़रूरत है वो दे करके, या भोजन की ज़रूरत है वो दे करके इनको निपटाया जा सकता है। थैंक यू।